सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। हाँ जी, आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूँ क्योंकि आपने हमारे यूट्यूब चैनल पर 175,000 सब्सक्राइबर करा दिए हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और आपके लिए खुशखबरी है, एक बार फिर से हमने बुलाया है CA कशिश गुप्ता जी को पक्ष लीगल से। सर, GST रजिस्ट्रेशन लेना अब इम्पॉसिबल हो गया है। GST रजिस्ट्रेशन लेने में बहुत दिक्कतें आ रही है, अभी भी आ रही है प्रेजेंट में। और ये जो दो रूल चेंज हुए हैं, Rule 8 और Rule 9, इसके बाद GST रजिस्ट्रेशन लेना आसान होगा या मुश्किल होगा? आप इसके बारे में थोड़ा सा हमारे सब्सक्राइबर को बताएं। सबसे पहले शुक्रिया मुझे इस चैनल पर वापस बुलाने के लिए, और आपके दर्शकों का भी शुक्रिया जिन्होंने हमारे व्यूज़ को इतना सराहा है और हमारी वीडियोज़ को हर बार इतना प्रेम देते हैं, प्यार से देखते हैं, और हमारी रीच इसी बहाने इंक्रीज़ हो भी रही है। जैसे आपने बताया कि 1,75,000 सब्सक्राइबर्स का हमने बेंचमार्क एक अचीव किया है जी, और बहुत जल्द हम इसे 10,00,000 तक लेकर जाएं, ऐसी मैं कामना करता हूं। अब रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं। रजिस्ट्रेशन का जैसे आपने कहा कि इम्पॉसिबल हो गया है, अब ऐसा कोई चेंज हुआ नहीं है। अभी इम्पॉसिबिलिटी हम बोले, अभी वही पुराने इश्यूज़ ही हैं जो कुछ टाइम पहले 1 अप्रैल 2020 से एक इन्होंने आधार ऑथेंटिकेशन का प्रोविज़न लॉ में इंट्रोड्यूस किया था। राइट। 21 अगस्त 2020 से जितनी भी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन सबमिट हो रही हैं पोर्टल पर, उस पर आधार ऑथेंटिकेशन मैंडेटरी था। राइट। तो पोर्टल पर आपको टाइमलाइन दिखता था कि आधार ऑथेंटिकेशन कर दें या विद इन 15 डेज तक अगर आपने नहीं किया तो ये एप्लीकेशन डीम टू बी फाइल्ड हम मान लेंगे। राइट। तो तब इश्यूज आते थे कि मैंने रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन अगर फाइल की है, आधार ऑथेंटिकेशन करना में जनरली स्किप हो जाता था काफ़ी केसेस में, तो 15 दिन के अंदर अंदर वो एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली सबमिटेड मान ली जाती थी। राइट। 15 दिन के बाद क्या होता था, वो एप्लीकेशन प्रॉपर ऑफिसर के पास जाती थी, तो उसमें वो जाता था कि आधार ऑथेंटिकेशन नॉट डन, तो वो फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए प्रोसीड करता था। ठीक है। तो उस केस में इश्यू क्या होता है कि जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देने का टाइम है वो 30 डेज का तो आपका फिजिकल वेरिफिकेशन का टाइम हो जाएगा। राइट। और उसके बाद 7 वर्किंग डेज का टाइम है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को देने का, तो ये प्रक्रिया 37 दिन तक चली जाती थी। ठीक है। जिसमें 7 वर्किंग डेज होते थे और 30 दिन होते थे। राइट। अब अगर मैंने आधार ऑथेंटिकेशन कर ली है लेकिन ऑफिसर को लगता है कि नहीं, फिजिकल वेरिफिकेशन करना तो वाजिब है, तो वो अपने सीनियर की अप्रूवल लेगा फाइल पे और आपके यहाँ फिजिकल वेरिफिकेशन करने आ जाएगा। ठीक है। तो जैसा कपिल जी ने कहा कि जो इम्पॉसिबिलिटी है वो एक तरह का हरासमेंट है, कि रजिस्ट्रेशन जो ऑटोमेटिक था कि GST में सब कुछ ऑनलाइन है, वो एक सॉर्ट ऑफ मैनुअली हो गया था कि हर केस में फिजिकल वेरिफिकेशन हो रही थी प्रैक्टिकली। ठीक है। और ऑफिसर आपके यहाँ आते थे, कोई भी डॉक्यूमेंट्स मांगना, कोई भी वेरिफिकेशन करना, पिक्चर्स लेनी, वो कर करा के आपको 37 से 40 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको मिल रहा था जी। अब इस GST काउंसिल मीटिंग में इन्होंने अमेंडमेंट्स की है, इन्होंने आधार ऑथेंटिकेशन का जो प्रोविज़न है उसको थोड़ा स्ट्रीमलाइन किया। सबसे पहले तो इन्होंने कहा कि जब आप रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन सबमिट करेंगे तो email ID और मोबाइल नंबर आपको देने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। वो जो पैन नंबर में दिया गया है उससे ऑटोमेटिकली उसी नंबर पे आपके पास OTP आएगा, उसी ईमेल पे OTP आएगा। लेकिन जब मैंने अपना पैन कार्ड बनवाया था तो पैन कार्ड वाले फॉर्म में मैंने अपना फ़ोन नंबर और email ID डाली थी, वो तो 10 साल पुरानी है, तो जब मैंने पैन एप्लीकेशन करा था वहाँ से डेटा उठाएगा? या जैसे अभी मैं अपनी ITR फाइल करता हूँ तो उसमें मैंने पैन और मोबाइल नंबर डाला हुआ है, email ID और फ़ोन नंबर, वहाँ से उठाएगा? कहाँ से उठाएगा ये? जो आपने करंट अपनी डिटेल्स दे रखी है, जो उनके डाटाबेस में, अगर आपने करंट email ID और मोबाइल नंबर दिया है और उस पर आपकी ITR की एक्नॉलेजमेंट भी कम्युनिकेट हो गई है और उस पर आपका ITR का मैसेज भी आ गया है, तो उसी नंबर पे आपका OTP और ईमेल एड्रेस पे OTP आएगा। अच्छा, ये मान लो मैंने क्या करा, मैंने पैन कार्ड बनवा रखा है, ITR में भरता नहीं, तो फिर जो पैन कार्ड बनवाने के टाइम आपने दिया डाटा उसी पे जाएगा। उसी पे जाएगा आपको। अब ये चेक करना पड़ेगा, देखिए ये एडवाइस मैं सबको देता हूँ कि अब हम एक डिजिटल इंडिया की तरफ मूव कर रहे हैं, तो आपका अगर नाम, जैसे मेरा कशिश है,
तो मेरा अगर किसी डॉक्यूमेंट में नाम KASHIS है, एच भी नहीं लिखा है ना, किसी में अगर मेरा मोबाइल नंबर पुराना है नया है, तो मेरी ही गलती है, इसमें सरकार की कोई गलती नहीं है। आपको बैठ के अपने सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, अच्छा, अल्फाबेट्स, नंबर, ईमेल आईडीज, उसके पासवर्ड सब एक स्ट्रीमलाइन कर लेने हैं। अच्छा, इसमें एक चीज बताइए, वैशाली है, रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं GST का, मान लो, ठीक है, ये इनकम टैक्स का काम आपसे कराती है, आप ITR इसकी भरते हो, लेकिन अभी आपने क्या कर रखा है, जब आप इसकी ITR भरते हो, ईमेल आईडी और फोन नंबर आपने अपना डाला हुआ है, क्योंकि पता नहीं वैशाली को पता लग जाए। अब ये कहती है कि नहीं सर, आप तो ज्यादा फीस लेते हो इनकम टैक्स की, मैं जाऊंगी कपिल सर के पास GST रजिस्ट्रेशन कराने। तो जब ये मेरे पास GST रजिस्ट्रेशन कराने आएगी, मैं कहूंगा बेटा ईमेल आईडी और फोन नंबर, वो कहेगी ये तो पुराना डाला हुआ है। तो इस समस्या का कैसे समाधान होगा? इस समस्या का समाधान तो प्रोफेशनल एथिक्स पे होगा। अच्छा, कपिल जी कितने स्ट्रिक्टली से लेते हैं उस पे डिपेंड करता है। अच्छा, बाकी वैशाली की भी ये एक एडवाइस है कि अपनी सारी डिटेल सब खुद की डाले, प्रोफेशनल की ना डाले। और जहां तक मुझे याद है, जब मैं आर्टिकलशिप कर रहा था, शायद उस टाइम पे इनकम टैक्स में चेंज आया था कि एक CA अपनी ईमेल आईडी और अपना मोबाइल नंबर 10 से ज्यादा पैन में नहीं दे सकता, ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शन आया था। तो हो सकता है कि ये केसेस प्रैक्टिकली ज्यादा ना मिले हमें, और आजकल हर कोई जागरूक है प्रोफेशनल एथिक्स की कंप्लेंट। तो आप लोग भी जितने प्रोफेशनल है ना, अपना ईमेल आईडी फोन नंबर मत डालो यार, ठीक है, जो आप जिसकी उसके सारे GST के कम्युनिकेशन आप ही के पास आए, फायदा नहीं है उसका, ठीक। तो फिर मैं पार्ट B पे प्रोसीड करूंगा। तो इसमें जो पार्ट B में डिटेल्स जाती है, अगर कंपनी है तो उसकी ऑथराइज सिग्नेटरी की, पार्टनरशिप फर्म है तो उसके पार्टनर्स की, जी जी, तो वो डाटा पैन से ऑटो पॉपुलेट नहीं होगा, वो आपको पार्ट B में खुद फिल करना है। ये एक चेंज है, ये चेंज सिर्फ पार्ट A में आया, राइट, पार्ट B में नहीं आया, लेकिन उन लोगों की आधार ऑथेंटिकेशन तो करनी ही है। बिल्कुल। अब एक चेंज ये है कि वो 15 days का जो टाइम लिमिट है आधार ऑथेंटिकेशन का, शायद वो अब आपको पोर्टल पे ना दिखे, क्योंकि इसकी लीगल प्रोविजन नहीं है, वो डिलीट हो गया सब, ठीक है। तो जब भी आपके आधार ऑथेंटिकेशन कंप्लीट हो जाएगी, एप्लीकेशन तब फाइल्ड मानी जाएगी, ठीक है। अब जब एप्लीकेशन फाइल हो गई, तो जनरली 7 working days का टाइम है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को देने का, ठीक है। और अगर उसमें कोई डेफिशिएंसी है तो भी 7 working days का टाइम है शोकॉज नोटिस या डेफिशिएंसी मेमो इश्यू करने का, ठीक है। लेकिन अगर आपके 3 category ऑफ केसेस है, नंबर 1 आधार ऑथेंटिकेशन आपने किया नहीं है, नंबर 2 अगर ऑफिसर को लगता है कि मुझे इसकी फिजिकल वेरिफिकेशन करनी है, अपने सीनियर की अप्रूवल ले ले, नंबर 3 ये सिर्फ अभी गुजरात में एप्लीकेबल कर रहे हैं, एक इन्होंने कुछ रिस्क मैनेजमेंट का इनका सिस्टम होता है, पता नहीं उसमें कौन से पैरामीटर्स होंगे, ठीक है, उसके बेसिस पे अगर आप आइडेंटिफाई हो गए, तब अगर इन 3 में से कोई एक केस है, एक तो है कि अगर आपने आधार ऑथेंटिकेशन नहीं की है, ठीक है, सेकंड अगर आधार ऑथेंटिकेशन कर ली लेकिन पोर्टल ने आपको पकड़ लिया, और अगर वहां से बच गए तो ऑफिसर ने आपको पकड़ लिया, ठीक है, तो इस केस में 30 days का टाइम है डेफिशिएंसी मेमो इश्यू करने का या फिजिकल वेरिफिकेशन करने का, ठीक है। और वो जो पिक्चर वाला क्या सीन है कि फोटो भी लेंगे, वो ये है कि अगर आपको पोर्टल ने आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है, तो आपको इनके फैसिलिटेशन सेंटर में जाना, जो डिपार्टमेंट में किसी फ्लोर पे किसी रूम को उन्होंने नॉमिनेट कर रखा होगा, ठीक है, वहां पे आपका बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होगा, और आपकी पिक्चर्स ली जाएंगी, और आपके जितने KYC की डॉक्यूमेंट्स है वो ओरिजिनली वेरीफाई किए जाएंगे। अच्छा, ये कोई प्राइवेट व्यक्ति भी कर सकता है, हम भी कर सकते हैं ऐसा, या डिपार्टमेंट वाले ही करेंगे? इसमें लिखा फैसिलिटेशन सेंटर नोटिफाइड बाय द कमिश्नर, तो ये फैसिलिटेशन सेंटर अभी तक तो देखो कोई प्रैक्टिकली आए नहीं है, ठीक है। तो वैसे जो पहले होते थे, जैसे अगर आपने बिजली का बिल भरना है, पानी का बिल भरना है, अच्छा, तो वो मार्केट में म्युनिसिपैलिटी ऑफिसेस में भी उनके एक एक्सटेंडेड ऑफिसेस बने होते थे ना, ठीक है, अगर चंडीगढ़ में तो हमारे ऐसे होता था, ठीक है, तो हर मार्केट में बूथ बने होते थे, तो ये ऐसे फैसिलिटेशन सेंटर गुजरात में बन गए होंगे जब ये रूल आ गया है, तो बन तो गए होंगे, अगर बने होंगे तो शुरू भी हो जाएगा काम, गुजरात वाले बताएंगे तो आपके सब्सक्राइबर कमेंट करेंगे। हां, तो गुजरात वालों आप ही हमें बताना कि ये वाला नाटक ड्रामा भी शुरू हो गया है या नहीं हुआ है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। सर, इसमें और कुछ ऐड करना चाहिए? इसमें एक बार हम देख लेते हैं जो ये मैंने हमने इसमें ट्रैक की है ना चेंजेस। जी। तो यहाँ पर ये चीज समझ लो कि आने वाले समय में ना GST रजिस्ट्रेशन फिर दोबारा वैट की तरह हो जाएगा। हाँ। कि ओरिजिनल लेकर जाओ, वहां पर जो भी फैसिलिटेशन सेंटर है वहां पर चेक कराओ, और फिर उसके बाद तुम्हारा रजिस्ट्रेशन अप्रूव। इसमें हमारा ये कहना है कि जो ये प्रोविजन है कि ऑफिसर खुद से अप्रूवल ले सीनियर का कि मुझे फिजिकल वेरिफिकेशन करना है, जब ये पोर्टल आइडेंटिफाई करना पैन इंडिया बेसिस पे ऑपरेशनल हो जाएगा, तब ये प्रोविजन ऑफिसर की डिलीट कर दी जाए प्रोविजन लॉ में, क्योंकि एक अनब्राइडल्ड विजडम दे रहा ऑफिसर को कि ऐसे भी क्या रीजंस हो गए कि मैंने आधार ऑथेंटिकेशन किया, मैंने आधार ऑथेंटिकेशन कर भी लिया,
पोर्टल ने भी मुझे आइडेंटिफाई नहीं किया, तो ऐसा क्या रीजन है कि ऑफिसर मुझे आइडेंटिफाई कर, मिलना चाहता है उससे, प्यार है आपसे उसे, पता नहीं ऐसा क्या मिलना चाहता है वो, हम प्यार आपस में टैक्स पे करके एक्सचेंज कर लेंगे, ठीक है ना, उससे पहले हम क्यों करें। तो उस केस में मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो प्रोविजन डिलीट हो जाना चाहिए उस समय पे। तो बाकी इसमें और कुछ भी नहीं है, अभी ये सिर्फ गुजरात वालों के लिए वीडियो देखना रेलेवेंट है सर। वैसे ना हमने इसका पूरा एनालिसिस ना अपने जनवरी एडिशन में दे दिया है, तो अगर आपने अभी हमारी मैगजीन का जनवरी एडिशन नहीं लिया है तो आप उसे सब्सक्राइब करा लें और कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताएं ये वीडियो कैसी लगी। सर आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ, आपने अपना कीमती समय निकालकर हमारे सब्सक्राइबर को इतना डीपली इनसाइट दिया। इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।